ये बात आपने बहुत गहरी कही जो सराउंडिंग चर्चा था। नरेंद्र मोदी कोई भी चीज कितने लंबे समय तक से प्लानिंग करते हैं कि बंगालियों के अंदर उसकी अस्मिता बड़ा मायने रखता है। रविंद्रनाथ टैगोर की शैली, पीएम बंगला बोलने की कोशिश करता है। आप लोग कह रहे हैं कि बंगला में लोग वहां हिंदी जानने के बाद भी नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये दीदी वो दीदी, ये जो स्टाइल है पीएम का, इसका क्या असर दिख रहा है आपको? सर, भाषा एक बहुत बड़ी माध्यम होती है किसी से भी संचार करने का। तो जब किसी के उसी की भाषा में बोलेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे लगता है अपने ही बीच का है। क्योंकि तो बंगाली जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, और भरोसा कर लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। जैसा कि उन्होंने 34 साल वामपंथ को दिया तो 34 साल देते ही रहे 10 सालों में। लेकिन दीदी दीदी को भी लंबा समय दिया, लेकिन दीदी ने काम ऐसा कर दिया कि वो इससे अधिक देने के अब मूड में नहीं है। तो मोदी जी जहां भी जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु जाए चाहे कश्मीर में जाए, वहां की भाषा और वहां की वेशभूषा में होते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे हावड़ा में स्मृति ईरानी जी की सभा थी। स्मृति ईरानी जी धारा प्रवाह बंगाली बोल रही थी, तो धारा प्रवाह बंगाली बोल रही थी तो उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा था। लोगों को लगता था कि ये तो हमारी अपनी है। और ये सब जो चीजें हैं ना सर, बंगाली बोलना, इस तरह दाढ़ी बढ़ाना, ये सब तो ठीक है, जो भी है मार्जिन को थोड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो बंगाल में बीजेपी का जीत का फैक्टर है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने काम ऐसा किया है कि वो मतलब उसके, हाँ, उसके बल पे ही बीजेपी जीतने वाली है। अब ये थोड़ा संबंध बनाना है, थोड़ा रिलेवेंट हो जाए, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, थोड़ा बंगला बोल लिया। जैसा प्रशांत किशोर भी बोल रहे थे कि जो कोई भी पॉलिटिकल एडवाइजर होता है वो आपका, जैसे कि आप 200 सीटें जीत रहे हैं तो 220 या 200 सीट कर देगा, 10-20 सीटें आपकी बढ़ा सकता है। तो दाढ़ी बढ़ाना और बंगला भाषा बोलना आपकी 10-20 सीटें और ले आएगा। लेकिन जो काम है, जो काम मोदी जी का है, जो काम दीदी का है, तो दीदी सबसे बड़ा प्रचारक है बीजेपी के लिए। दीदी ने सबसे अधिक काम किया है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, और अभी भी कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। जिस तरह से बोलते हैं कि मोदी का कान पकड़ के हम उसको हिंदी सिखाएगा, गले में रस्सी बांध के उसको घुमाएगा, तो बंगाल के लोग, ये बंगाल का संस्कृति नहीं है, बंगाल के लोगों को बहुत भद्र माना जाता है। बंगाल की जो सभ्यता है, बंगाल के लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, भद्र बोलते हैं बंगाल के लोग को। हम लोग बसों में कभी सफर करते हैं, कभी कोई थोड़ा इधर किसी का भी भाषा के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो लोग बोलते हैं कि कैसे, मतलब बाहरी का वो है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत भद्र हैं। तो लेकिन दीदी का जिस तरह का भाषा है, दीदी बंगाल के कल्चर से समावेश नहीं कर पा रहे हैं। दीदी पूरी तरह से मानसिक संतुलन अपना खो चुकी हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि दीदी दीदी जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, दीदी का बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज, अब ये जो प्रशांत किशोर और दीदी के बीच में जो चल रहा है ना, तो वो समझ में आ चुका है कि दीदी हारने वाली है। अब दीदी करने क्या वाली थी, वो सारा जिम्मा जो प्रशांत किशोर का जो पैसा है, जो उनको सैलरी है, वो रोकने वाली थी। वो सारा जो जिम्मेदारी है प्रशांत किशोर पे डालने वाली थी। तो प्रशांत किशोर ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि उनको आगे भी काम करना है, पंजाब भी जाना है और भी जगह करना है, तो उनका जो साख है उस पर बट्टा लग जाएगा, तो काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इनिशिएटिव लेके जो जगह जगह वो लीक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना लीक हो रहा है, प्रशांत किशोर यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम, मेरे कारण दीदी चुनाव नहीं हार रही है, दीदी अपने कारण चुनाव हारी है। क्योंकि दीदी प्रशांत किशोर पर डाल देंगे कि इन्होंने चुनाव हरवा दिया, लेकिन प्रशांत किशोर रियलिटी बता रहे हैं कि दीदी अपने कारण हारी है। और ये कोई केवल ये जो चैट लीक हुई है, पहला मामला नहीं है, उनका टेलीग्राफ में लेख छपा था, वो आप पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कई जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार इशारा कर रहे हैं, लगातार इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। वो भले बोलते कि 100 सीट नहीं क्रॉस करी है, लेकिन कई जगह वो संकेत कर रहे हैं कि दीदी का जो जमीन है वो खिसक चुका है, हिंदू हिंदू वोट कई जगह वो संकेत कर रहे हैं इस बात का। तो एक तरह से यदि उसको कोई पढ़ेगा, कोई समझेगा, तो वो इस बात को समझ जाएगा कि प्रशांत किशोर एक तरह से बीजेपी के एजेंट है। इस तरह से प्रतीत होगा कि दीदी साइकोलॉजिकली दीदी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दीदी उनके ऊपर आरोप डालने वाली थी, इसलिए वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पंजाब में भी काफी काम करना है और जगह जाना है, तो इसलिए वो अपने को सेफ कर रहे हैं, ये इतना ही कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बहुत बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है पांडे जी। आपने जो बात कही है उससे एक चीज और एकदम से साफ हो गई है कि बंगाल में
ये जो प्रशांत किशोर वाली बात जो आपने कही है मुझे लगता है कि बहुत बारीक है। तो ये पूरा आप इसका मतलब मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही जो कुछ भी करे हैं, जो ये लीक हुआ है वो प्रशांत किशोर का प्लान था, सब कुछ उनका किया कराया था। प्रशांत किशोर अपनी मार्केटिंग इन फ्यूचर जो उन्हें पंजाब में जाना है या दूसरे राज्य में, उनकी मार्केटिंग खराब ना हो इसीलिए उन्होंने किया। भले ही प्रशांत किशोर ये कह रहे हो कि वो जीत की मार्जिन को बढ़ाते हैं, वो जितवा नहीं सकते, इसका मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि सब कुछ प्लांटेड था उनका, है ना? जी 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 सर, जीत की मार्जिन नहीं बढ़ाते हैं। 2014 में भी जब बोला गया कि प्रशांत किशोर ने मोदी को जिता दिया, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने एक उनका लिए प्रोग्रामिंग किया, मार्केटिंग किया। जैसे हम लोग भी कोई सामान बनाते हैं और उसको पैकेजिंग करके बेचते हैं, तो सामान यदि आपका अच्छा नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी विज्ञापन कर लीजिए वो चलेगा नहीं। कितना भी अच्छा यूट्यूब पे थंबनेल लगा दीजिए और अंदर खराब माल है तो चलता नहीं है। तो क्वालिटी क्वालिटी भी होना चाहिए, और थंबनेल तो ठीक है, क्लिक क्लिक वो आता है उससे लोग देखते हैं। तो पैकेजिंग है, प्रशांत किशोर एक पैकेजिंग है। 2019 में प्रशांत किशोर जी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी 319-20 सीटें भाजपा की आती हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में भी प्रयास किया महागठबंधन के लिए, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती है वहां पे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीतती है। तो वो प्रशांत किशोर एक पैकेजिंग है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। वो मात्र एक विज्ञापन करते हैं कि मतलब कि वो 10-20 सीटें 5-10 सीटें बढ़ा सकते हैं, एक माहौल बस बना सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। और मोदी जी से बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, अमित शाह जी से बड़ा कोई, ये लोग इनसे बड़ा कोई है नहीं। ये लोग मोदी जी से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं ना, लोग अपने आप ही मोदी मोदी करने लगते हैं। उनका ऐसा आभा मंडल है, ऐसा प्रभाव है, ऐसे उनके कर्म है। पांडे जी आपने बंगाल में मोदी को कौन जाते हैं? बंगाल में मोदी जी हिंदी तो बोलते नहीं थे, मतलब बांग्ला तो बोलते नहीं थे, फिर भी यहाँ की जो मतलब आप कह लीजिए कि गंवार महिला है, अशिक्षित महिला है, जो कभी बाहर नहीं गई, वो भी बोलते हैं मोदी जी हमारा ध्यान रखते हैं, मोदी जी हमारे लिए भगवान है। तो पांडे कुछ तो बात है। पांडे जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कि अब तक देश ये जानता था कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी है, लेकिन आपने बताया कि बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक ममता बनर्जी हैं, इसीलिए राहुल गांधी की जरूरत बीजेपी को नहीं थी बंगाल में। तो अच्छा है कि सुपर स्टार प्रचारक यदि ममता बनर्जी मिल गई हैं तो ममता बनर्जी ही ठीक हैं। और एक बात जो आपने बहुत गहरी कही कि प्रशांत किशोर का सब कुछ प्लांटेड था, यही है ना सर? ये जो प्रशांत किशोर को दीदी ने हायर किया है अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, तो वो वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं जो अभी तक करते आए हैं। जैसा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए किया, जैसा उन्होंने नीतीश कुमार के लिए बाहरी किया, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा था कि दिल्ली में जो हुआ था कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था कि तुम जाओ, बीजेपी से तो हम जीत नहीं पाएंगे, यदि हम लड़ते हैं तो तुमको नुकसान होगा और बीजेपी को लाभ होगा इनडायरेक्टली। तो वही यहाँ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कांग्रेस ने यहाँ पे मैदान खुला छोड़ दिया है ममता दीदी के लिए, क्योंकि अंदर इनकी कुछ साठ गांठ हो गई है इसलिए कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इधर चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया, तो उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया है। मालदा मुर्शिदाबाद में ठीक है, वहां कांग्रेस और वाम का प्रभाव है, उधर हो जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है। और ये अंदर अंदर कुछ तरह की सेटिंग कर लेते हैं, प्रशांत किशोर इस तरह की सेटिंग करवा देते हैं कि चलो पंजाब में तुम्हारे लिए खाली छोड़ देंगे, इधर तुम हमारे लिए खाली छोड़ दो। तो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, वहां यहाँ भी उन्होंने इस तरह की चीजें की हैं, लेकिन यहाँ पे जमीन पे दीदी के प्रति इतना अधिक गुस्सा है कि कुछ काम में आने वाला नहीं है। कांग्रेस यहाँ पूरी तरह साफ हो चुकी थी, वाम मोर्चा भी पूरी तरह साफ हो चुका था, तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है विशेष रूप से।